तो जो करे ससुने सी बहस रखी थी भाई समझ ले या पसनी समय एक सुल्फा दारू जो सारे बता तो दांत से हैं ये नहीं मेरा जी दांत से मैं काटी है का तलवार से काटी है का को पंडा रहा का अगर जो मन ना करया हो या मेरा साजिश हो मेरा तीन बेटे पोते हैं जो करो जो बस का नेम था मैं जब मेरी साजिश हो मैं नजर बुरा है करा मन नु ज्ञान है अग भाई जब कत्ल कर रहे हैं तो उधर बात तो गई है फोन फान तो गया होगा इसी बात में फिर आज उन्होंने बात का दर्शकों नमस्कार, जस्सी मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है। दर्शकों बता दें हरियाणा के अंदर हो गया है जंगल राज। लगातार इतनी हत्याएं जो हरियाणा के अंदर हो रही है, कहीं सरपंचों की हत्याएं हो रही है, कहीं बेटियों की हत्याएं हो रही है, कहीं पिता बेटे को मार रहा है, इतना मतलब हम इसको क्या कहें, कहीं ना कहीं जो है प्रशासन ढीले में है, वो एक्शन नहीं ले रहा है इनके ऊपर। तो कल की एक घटना आपने सुनी होगी बक्ताखेड़ा गांव की, जिन जिले का गांव है बक्ताखेड़ा। अभी फिलहाल उसी गांव में मैं मौजूद हूं और जो वो लड़की है प्रियंका, उसका जो मायका है वहां उस घर के आगे मैं मौजूद हूं। तो परिवार से वो तमाम बातें करेंगे कि लड़की को इतनी बेरहमी से मारा गया है, किस प्रकार से इस घटना को पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो परिवार से हम करते हैं बातचीत। हम आए हुए हैं खेड़ा बक्ता गाँव के अंदर और जस्सी मीडिया ग्रुप ग्रेट हरियाणा न्यूज और विकास जांगड़ा चैनल में आपका स्वागत है। मैटर तो हमने पहला वीडियो भी देखी होगी, जो एक बहन है उसकी हत्या कर दी जावे है, उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद है, पूछेंगे सारी घटना। नमस्कार अंकल। नमस्कार। क्या नाम अंकल जी आपका? बिल्लू नाम है। बिल्लू? हाँ जी। तो अंकल जी एक बार पूरी घटना, पहले तो आपने जो बेबे है उसका नाम बताइए क्या था? प्रियंका। प्रियंका। हाँ। तो प्रियंका के बारे में आपकी यानी आपकी बेटी के बारे में पूरी घटना बताओगी कि क्या मैटर है, शुरू से लेकर क्यों उसकी हत्या की गई? शुरू से तो जो करे ससू ने ऐसी बहस रखी थी भाई समझ ले या बसनी नहीं चाहिए। अच्छा। मारे रोज जो करे वहाँ से आ गया, घर आ गया तो जो करे बोर्ड के फिर फोन आ गया, पापा फिर इन्हें उदम था दिया, मतलब तंग रखा कर। हाँ, तंग रखा कर दिया। किस वजह से तंग रखा कर दे, कोई बात तो होगी? बात ये थे बटे उठा अभी समय एक सुल्पा दारू जो सारे सब्जी पिया सारे नशे कराया करता। हाँ। तो फिर मैं लड़की ने बोला, मैं बेटे नू तो बात नहीं मना, तू जो कर मुद्दा इकट्ठा कर इसका, ये भी मैं जाऊँ तो कह दे मेरा माँ मारा तो छोरा नशा करता ही नहीं, ये तो पुरप होना चाहिए। हाँ। फिर तो मैं कुछ कार्रवाई करूँ या खुद भी लड़ूँ। तो उसने सारे समय की पुड़िया पड़िया सारे जो इकट्ठे कर फोन कर दिया। मैं चले गया, देखा तो मन जमन ले सारे को फिर दिखाई, मैं बताऊ नू को मेरा मारा छोरा नशा नहीं करता, ये करता ही। तो इनका यकीन हो गया कि भाई हाँ, यकीन तो होना था मेरा था ही नहीं, फिर यकीन पक्का हो गया कि हाँ भाई नशे करे है। यकीन मतलब उनकी पहला बेरा कौन था भाई? बेरा था उनने, मतलब ऐसे आप तक छुपाने खातर कर रहे हैं। मेरा छुपाने के मारे जो करने रोक रहे थे कि भाई समझ ले इसने बेरा नहीं पटे। अच्छा, मैं मारा छोरा को उपरांत नहीं आओ, इन्हें पता नहीं चला। अच्छा, सासू ने जो करे आज रोला कर दिया, कल रोला कर दिया, समझ रोज दंगा होता रहता। तो बेटी जो मारे पास फोन करेगी, आम जाते समझाते, फिर मैंने घर आ जाते जो छः महीने तो ऐसी कहा शरीर जमा बेगन आखिर में फिर ये जींद आ गई। बोलो बस चलते रहे घरेलू झगड़े नहीं चलते रहे, जींद आए पत्थे जो इन न्यारा किराए बराया करते हैं, ये अलग ये अलग। पहला कड़ा रहा करते? पहला नरवाना बदली सी। अच्छा, नरवाना और अब जींद आ गए थे, मतलब जींद के बसंदे हैं ये। अच्छा, जींद के बसंदे, जींदे ड्यूटी है। अच्छा। और जींदे फिर जगा दे जींद। अच्छा, बसंदे भी जींद के हैं। अच्छा। नरवाने के बदले थी जिस पर शादी हुई लड़की। किस चीज में लगे रही है? रेलवाई में। रेलवाई? अच्छा, रेलवाई में गार्ड है? हाँ जी, पहले फाटक उस टाइम फाटक वाला में था, अब गार्ड है। तो मतलब लगने के बावजूद भी नशा पता क्रिया करता बटे वो नहीं चौधरी लग उसका सुसरा। हाँ, चौधरी लग रहा है अपना। हाँ, वो तो क्या लगा था फिर उसका सुसरा ना, मतलब कि मैं क्या क्यों करता अपना लड़का लग भाई, तू इसे काम क्यों कराया है इस तरह? वो तो जब कब है ना कब कि मैं चलती हो उसकी चलती सही नहीं। अच्छा, चल ले कौन करता? हाँ, और आज भी कौन चलती उसकी? अच्छा, आज भी कौन चलती उसकी? उससे अगले बार रुपये दिए वो अपने ड्यूटी चल भाई, उसकी ड्यूटी पहुँच पाओ मन होटल पर जाकर खाओ।
कहने का मतलब पहले शुरू तक तंग रखा गया। हाँ जी हाँ। आप तो दूर फोन भी आ करते आप जा भी आंदे। हाँ जा कर बाप तो सोचा भाई कोई भी मतलब प्यार तो मैंने जगह हाँ जी हाँ। लास्ट मनु भी कुन मेरा पार्ट था भैया कहानी मन चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो साल या डेढ़ साल में भाई इन्हें कि मैं लेना देना फाइनेंस कर पिया था कि भाई लेना देना इन्हें जुगर तंग कर दिए तंग कर दिए तो इन्हें आपस की अपने घर की टूम भी हमने भी चढ़ा रखे जी पाँच छः टूम हमने भी चढ़ा रखी थी वो टूम भी सारी समझ ने बहुत बता कर लाले वो कर्जा पाट दिया बहुत अच्छी बात हुई भाई मिल जुल का जो काम हो जाने तो बड़ी अच्छी बात बिल्कुल। एक तो मेरी छोरी अलग पाट मैं तो कौन दूँ तुम तो समझ कैसे हो जब सारे ने मिल कर समझ ले सब वो कर्जा ने बैठ जाना बड़ी अच्छी बात मतलब एक मन मन का बोझ लगा हुआ दिमाग का। हाँ 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 उस पर मन ना कोई एडजस्ट नहीं वो उनका काम है। उसने क्या बोला कि भाई बेटी प्रियंका उसका ससुरा बोला उसने अगर बेटी प्रियंका जब छोटा लड़के की शादी करूंगा ना मैं जब यह टूम तेरी बनवा दूंगा तो ये अब शादी है किस तरह के दी इससे महीना में इससे साल महीने चलो जब भी हो लड़के की शादी की तैयारी है जो बात ये है। तो उसने जुकर अपने जो अमित बटे हुए था ना उसने बोली कि भाई पापा ने कहो अगर भाई देखे ये मेरी घूमवाऊंगा वो बटे हुए बोला कि भाई कह का जिक्रा नहीं करना तुम्हें अगर भाई कोठी भी ली है जगह भी ली है और वह ब्याह भी करेगा टूम टम्मा को जिक्र तो अकबर भाई इतने पीछे कोठी दे ली उन्होंने लाख छः लाख 25 लाख की 26 लाख की और भाई ब्याह भी करेगा वो तो मेरी टूम क्यों नहीं बना सकता वो समझ रहे उनका आपस में झगड़ा हो गया। हाँ फिर वो ओड़े भी जिक्र चले हैं घर उसकी सासू दुरा उसकी सासू तो कटाया करती पहले ओड़ा जिक्र चले हैं तो उनका काफी दिन जिक्र फोन कराया करती छोरी मधुर फिर मैंने यह बात कही माँ बेटी तुम मैं बनवा दूंगा तू छोड़ तुम्मा का जिक्र ठावे ही ना मैं बनवा दूंगा 2 साल बस उसने जुगर वो जिक्रा छोड़े नहीं इन फिर और को प्लान नहीं कोशिश करी नहीं अगर वो गरीब आदमी है वो किए कर लेगा अरे ले बस अपने उसकी जी हत्या कर दी जी हत्या नहीं करी कत्ल कर दिया उसका यार ऐसा कत्ल कराया बस देखी नहीं था किसी को अरे ये तो गलती जो मारी पंचायत किसी के दिमाग में कौन बड़ी ये तो ये जो आज जो सिस्टम है ना ये सिस्टम उसे दिन होना था जिस दिन छोरी खाई हमने उधर घर से छोरी खाई नहीं उसे दिन होना था उतना और न तो और भी समझ प्रेशर पड़ा रहे वो क्यों कहाँ भी सारे सब सौदा निशान आवन है ये इन ठिकाना था भाई समझ काट कर रखी है। अच्छा मतलब लड़की को काटा गया। हाँ जी किस चीज से ये बता दो दांत से हैं ये नहीं बेरा जी दांत से मार काटी है का तलवार से काटी है का को बड़ा राज था मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन हुई भाई किस चीज से काटी है वो तो डॉक्टर बताऊंगे जी रिपोर्ट अभी आएगी। अच्छा वैसे भी अपन ने पता लगे जब पता तो ऐसे है जी ये इतना गला काट रखा था और समझ नू का नू हाथ बढ़ जाते सारे गाय इतने थे यहाँ से और गड़े से सारे जुगुर गाय से छेद ली थी अंगड़ी भी कट रही थी। अच्छा आपने देखा था लड़की देखा था जब तो बोला हाँ सारे पंचायत जा रही थी सब ने देखा था एक ने नहीं जितने आदमी जा रहे थे देखा था और पंचायत ने जो दरखास्त दे के आए ने ये भी कई जिक्र मेदा था मेदा ने बोला भाई एक का कांटा नहीं है ये और फिर वो बटो जो खेन इस पद बनाया गया था क्यों तो उड़ा फिट कर रखा था अगर भाई यो तो कर नहीं सकता मतलब कई जने ने मिलकर यो कर हाँ कई जने के परिवार का काम है वो। अच्छा अच्छा हाँ तो आपने किस किस पर शक है परिवार में शक तो ये बताया तो था मैंने ये बताया था वह सासू का और उसका देवर का एक इसकी बुआ का लड़का है निर्वाणद है उसका। अच्छा मतलब इन पर पूरा पूरा शक है पूरा शक है ये 4 आदमी बैठे हैं वहाँ साढ़ा की दुनिया है ये भी कह देता सुसरा का नाम और लिखवा दे जमीरी आत्मा नहीं मानती है वो भगवान का तो जाते देना है मैंने जमीरी आत्मा नहीं मानती ने तो मैं नहीं नाम लिखवा मतलब धक्का देना लिखवाना भी हाँ
देखो दोषी को दोषी ठहराओ, निर्दोष को क्यों दोषी मानो, सीधी बात यार। जब अगला के नुए नहीं पूछे को इतना रोटी खानी है कि नहीं खानी है, और बहन से सारे कुनबा उस पर पड़ रहा है, हैं तो उस आदमी का क्या है, कुछ नहीं जाना। बसो तो ऐसे है, बस ऐसे अपा डांगना में जो करे उस वे मान किसी किस्म का हो, बहुत गहू गा रहे। कल भी मेडिकल में जा रहा था वो, मैंने ऐसी ऐसी बात की, बस सुन, बस बस दो बात बोले थे उसने, अग जी मेरी कुछ नहीं पार बसारी, हाँ इस बात का अगर जमन्ना करया हो या मेरा साजिश हो, मेरा तीन बेटे पोते हैं जगरो जो, बस उसका नेम था हूँ मैं, जब मेरी साजिश हो मैं तो बेराए घर आया पटिया है, कल मेरी उसके खूब है मेडिकल में, फिर मतलब बेरा आया क्या पटिया, तू आए पास तो फोन कर दे मजदूर है, आए पास में बता सका है चौधरी नून बात बन गई, सही बात, आ तू आ जा, अरे प्रसन्न सुनना तो फोन करया है, मतलब फोन तो करना ही चाहिए था कम से कम, फोन तो कम से कम कर सका था, और करे पास से भी तो हमने इतनी मत नहीं करी, अरे मेडिकल में आ जाओ, अरे इस लाश ने ठुआ तो दो है, इतनी बेरे तो आपे आपे हो गया, इतनी बेरे बेरे में तो कत्ल हो रहा है, कम से कम नु शर्म आनी चाहिए भाई, कम से कम आओ अगर क्या लग तो बता दो कम से कम। और ये भी देखो ये समाज बैठा है, ये भी ज्ञान है, मैंने ऐसी बात नहीं, इतना मन ज्ञान है, अगर भाई जब कत्ल करे हैं तो उतर बात तो गई है, फोन फान तो कहा होगा, ऐसी बात नहीं, बेरा सुनो इस बात का, कोई भी है फिर भी मैंने अपनी आत्मा मान के जुगरो नारा काट दिया, क्यों मन नहीं मैंने मन नहीं मान, मतलब आपकी आत्मा ने भीतर तनु कहा भाई, हाँ, मतलब यो नहीं हो सकता इस, हाँ, हाँ, हाँ। चलो अंकल जी, लास्ट बार आपकी बेटी से बात कब हुई थी आपकी, लास्ट बार कब बात हुई थी आपकी बेटी से, वो मेरी बात नहीं हुई, उसकी माँ से बात हुई थी, उसकी माँ से बात हुई थी, समझ ले मन से दो दिन पहले बात हुई थी, दो दिन पहले क्या बोला फिर, दो क्या कहा था वो, उसने बताया था कि माँ मैं आऊंगी, मेरे दो सूट रखिए लेके, दो सूट रखे लेकर मैं आऊँगी, फिर इसकी माँ ने नूर बोलिया जो करो भाई तू आवे को नहीं, बड़ा कहीं छुट्टी खत्म हो जाएगी तू को नहीं आवे, और तो आया नहीं करती जो करे, एक रात मिलन भी आंदी तो सवेरे जो करो जब अपने घर, हाँ वो मोटा मोटा रास्ता तो नहीं था, अगर जय सुना नूह बेरा होता ना भाई समझ ये कहानी बनेगी, वो मेरे द्वारा फोन भी करते रहे, और भाई लिकट भी बाज भी मरता आदमी तो बाध तो गाओ, उसने तो बेरा नहीं पटन दिया, इन जमन दे ऐसी रचना रची का समझ दे बेरा नहीं पटन दिया उसके। अच्छा तो बच्चे कितने हैं जी, बच्चे तीन है, तीन बच्चे, हाँ। कोई है मतलब एक लड़की है, दो लड़के हैं, एक लड़की दो लड़के, हाँ। अच्छा क्या क्या साल की, 11 साल का, 10 साल का लड़का है, 8 साल की लड़की है, फिर 5 साल का लड़का है, 5 साल का। शादी को कितने साल, शादी को 12 साल हो गई जी, मतलब 12 साल होने का बावजूद भी भाई सा सिस्टम हो है भाई, मेरे तो जवान जो तो हां वो तो जवान के बुड्ढी थी, आप जवान थी हो तो, मतलब 26 27 साल की होगी उम्र, हां 26 27 साल की, बस इसी उम्र पा होगी भाई। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दियो, या वीडियो क्यों बनाई गई है भाई, तारा दिल में नु दया जागने चाहिए भाई, देखो आपे वाई बात से अपनी असली दौलत जब अगला घर भेज दिया है, और उसका अगला यो काम हो जानी भाई साहब, आत्मा इतनी दुख है आपे, मतलब अपने दुखों को ब्याह तो कर नहीं सकते, लेकिन इतनी दुख है आत्मा, भाई खुद का दुख खुद ही जान सके भाई के बीतता उस पर भाई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दियो।